हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कोकी की चूरी। आपने सुना होगा कि सिंधी लोग कोकी काफ़ी बनाते हैं, तो आज हम कोकियाँ बनाएंगे, फिर उसको हम उसका चूरमा बनाएंगे। चूरमा बोल सकते हो आप उसे। उसके लिए लिया है मैंने एक कटोरी आटा, 250 ग्राम के करीब होगा ये आटा। घर का कोई भी नॉर्मल मैंने बड़ा कटोरा लिया है। आधी कटोरी ली है मैंने शक्कर, इसमें से हमको जितनी लगी उतनी हम डालेंगे। आधी कटोरी मैंने देसी घी ले लिया है और 1 चम्मच के करीब लिया है मैंने जीरा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कोकी का चूरमा। तो सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए, उसमें डालिए आटा जो हमने लिया है। अब इसमें डालिए 1 चम्मच इलायची का पाउडर और 1 चम्मच के करीब डालिए जीरा। और अब डालेंगे इसमें तेल, सॉरी घी। तो घी डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा घी डालूंगी क्योंकि बाद में हम इसका चूरमा बनाएंगे, तो बाकी का तेल हम बाद में डालेंगे। तो 2 चम्मच के करीब तेल डाल रही हूँ मैं। अब ये तेल डालकर इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, बस इसमें 2 चम्मच ही तेल डालना है। अब इसे पानी के हेल्प से इसका डो तैयार करिए। एक थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका आटा बनाइए, जैसे कि कोकी का आटा बनाते हैं वैसे। एकदम ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको इस तरह से गूंथते जाना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो डो है तैयार हो चुका है। थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें और इसे थोड़ा सा ऐसे चिकना कर लीजिए, या तो इसे आप कम से कम 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए रख दीजिए, थोड़ा सेट होने दीजिए इसे। तो इसे हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं इसके, इस तरह के छोटे छोटे से पेड़ तैयार कर लीजिए ऐसे करके। ये देखिए, इसने में से इसमें हमारी 3 कोकियाँ बनेंगी। तो चलिए पहले इन्हें बेल कर तैयार करते हैं कोकियों को, उसके बाद इसकी चूरी तैयार करेंगे। ये इस तरह से बेले नहीं बेले तो इस पर थोड़ा सा आटा लगा लीजिए। ये देखिए, अब इसके ऊपर हल्के से ऐसे निशान बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी बनाए तो भी चलेगा। तो अब इसे हम पका लेते हैं। पहले मैं बेल कर आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हम एक साथ पकाएंगे इनको। तो इसी तरह से दूसरी भी कोकी को हम बेल लेंगे। ये आसानी से बेल जाती है, इसमें हमने घी ज़्यादा नहीं डाला। आपने देखा, इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब ही तेल डाला है। इसमें हम बाद में ही तेल मिलाएंगे, घी मिलाएंगे। तो ये भी कोकी हमारी तैयार हो गई। तो चलिए पहले हम इन 2 कोकियों को पका लेते हैं। सबसे पहले तवे पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, इसे इस तरह से चिकना कर लीजिए। अब इसके ऊपर डालेंगे कोकी, इसे अच्छे से आगे पीछे करके पका लेना है। थोड़ा सा ऐसे, आप चाहें तो ऊपर से ऐसे तेल लगा सकते हैं हल्का सा। तेल नहीं, सॉरी, घी है, मैं आपको तेल बोल रही हूँ गलती से। इसे इस तरह से आगे पीछे करके लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे पका लीजिए अच्छे से। इसे अंदर से अच्छे से पकने दें, क्योंकि ये अंदर से पकेगी नहीं। अगर अंदर से ये गीली रहेगी तो फिर आप चूरी बनाएंगे तो आपको वो चूरी जो है वो कच्ची कच्ची लगेगी। इसे एकदम बढ़िया, आप चाहें तो लो फ्लेम पर इसे हो सके तो पकाइए अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कोकी एकदम पक चुकी है अच्छे से, ये देखिए। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसमें एक बाउल में इसे निकालते जाइए, जिसमें आपको चूरी तैयार करनी है उसमें आप इसे निकाल देंगे। तो मैंने ये इसमें निकाल ली है। मैं आपको 2 कोकियाँ और पका के फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कोकियाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, ये देखिए, मैंने 3 कोकियाँ तैयार कर ली हैं। अब इनको हमको तोड़ना है। ये इस तरह का स्पैचुला ले लीजिए और ऐसे इसको तोड़िए, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। अगर ठंडी है तो आप हाथों से भी तोड़ सकते हो, कोई वो नहीं है कि, या किसी चम्मच से, लेकिन इससे क्या होता है थोड़ा इजी होता है इसे तोड़ना। ये देखिए, इस तरह से तोड़ लेना है इनको। तो इन्हें तोड़ लिया है मैंने, थोड़ा सा हम बाद में तोड़ेंगे। अब जो शक्कर है, आप 1 कोकी में 2-2 चम्मच शक्कर तो डालोगे, तो उस हिसाब से मैं इसमें 6 चम्मच शक्कर मिला रही हूँ। थोड़ी ज़्यादा कम शक्कर अपने हिसाब से की जा सकती है। और ये जो हमने घी रखा था वो भी पूरा इसमें हमको डाल देना है, इस तरह से थोड़ा सा बचा रही हूँ। अब इन्हें आप हाथों की हेल्प से ऐसे मिक्स करिए कोकी की चूरी को, ताकि ये जो हमारा घी है
और ये शक्कर है, ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। देखिए ऐसे बहुत ही टेस्टी बनती है ये, आप एक बार बना के देखिए, काफ़ी पसंद आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार हो चुकी है हमारी कोकी की चूरी। इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, ये आप शक्कर मिलाएंगे इसमें, और ये जो हमने घी मिलाया उसके बाद इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। मैं इसे माइक्रोवेव में गर्म कर रही हूँ क्योंकि ये प्लास्टिक का बाउल है, तो आप इसे स्टील के इस कटोरे में डालकर इसे तवे पर भी थोड़ी देर रख सकते हैं। उसके बाद इसे आप गरम गरम सर्व करिए। ये जो न्यू मदर बनी है, कोई लेडी अगर न्यू मदर बनी है तो उसके लिए ये चूरी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी होती है खाने में ये, उसे काफ़ी इससे मतलब काफ़ी पौष्टिक होती है उसके लिए अगर आप ये बनाकर दोगे तो उसे। तो आइए इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्व हो चुकी है हमारी गर्मा गर्म कोकी की चूरी। इसे सर्व करिए, और इसे आप बनाकर रख सकते हो, पर मेरे ख्याल से इसे आप गर्मा गर्म खाना चाहिए बना के, तो काफ़ी टेस्टी लगती है। और इसका मैं एक और तरीका भी आपको बताऊं, अगर आपको हाथों से इसे तोड़ने में परेशानी हो तो आप एक काम कर सकते हैं, मिक्सर में डाल के कोकियाँ और ये शक्कर घी एक मिक्सर को एक हल्का सा ऐसे घुमा लीजिए तो भी आपकी ये चूरी तैयार हो जाएगी। पर मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा बनाया है क्योंकि मुझे ऐसे मोटी मोटी अच्छी लगती है। तो इसी तरह से बनाइए कोकी की चूरी, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।